इसमें ए करके टॉपिक डालो, ए क्या, एक ही टॉपिक ही है इसमें, और बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ उसका ही है, मतलब ये एक्चुअली तुमको ये एक बेसिक चीज है जिसका बेस तुमको हर रिएक्शन में काम आएगा, ठीक है, इसके लिए बता रहा हूँ। बीटा का कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब समझते हो? मान लो तुम्हारे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, इसका जो पहला कार्बन होगा ये वाला, क्योंकि ये तो खुद कार्बोनिल ग्रुप हो गया, राइट, इसका ये वाला पोजीशन क्या है, अल्फा, और इसके अगर बीटा पोजीशन पे कीटोन आ जाए, ये वाली बीटा पोजीशन है और ये वाली क्या है, गामा, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको जब हम लोग हीट करते हैं ना, तो ये हमको कुछ अजीब सा कंपाउंड देता है, दैट इज CH3, सी डबल बॉन्डो CH3 प्लस CO2 का रिमूवल। अब कैसे होता है, ये तो मेन प्रोडक्ट है मेरे पास, ठीक है। इसमें देखो होता क्या है, ये CH3 है, अगर इसका मैं मैकेनिज्म बताऊं तो C C डबल बॉन्ड O, राइट, इसके पास होगा लोन पेयर अपना, ये है CH2। एक दो रिएक्शन मैंने ऐसे कराए थे तुमको, थोड़ा टाइम हो गया तो शायद तुम लोग भूल गए रहोगे, डबल बॉन्ड हो, राइट, और इस पे एक क्या है, OH है, ठीक, तो बाकी तुम लोग को समझता होगा ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। ये एक सर्कल बन गया, देखो कितने मेंबर का, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट दिख रहा है तुमको। अब होगा क्या, ये अपना लोन पेयर दे देगा इस हाइड्रोजन को, ठीक है, तो ये बॉन्ड पेयर कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, अंदर की तरफ, ठीक है, ये बॉन्ड पेयर जब अंदर की तरफ शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड पेयर किस पे आ जाएगा, CH2 पे, क्लियर, समझा? देखो कैसे दिखने लगे ये मुझे, CH3 C डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ गया, OH बन जाएगा, और ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट किया तो पॉजिटिव चार्ज के साथ, ठीक है। ये देखो ये डबल बॉन्ड, इसके साथ ये डबल बॉन्ड ऑलरेडी, तो बाहर क्या जा रहा है, CO2 बाहर चला गया, और इसका बॉन्ड पेयर इस पे शिफ्ट हो गया था, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2-, क्लियर। तो फाइनली देखो इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है और इस CH2 पे माइनस चार्ज है, तो ये माइनस चार्ज क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा अपने साइड, तो फाइनली इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू CH3 सी डबल बॉन्ड ओ और अगेन CH3 प्लस CO2 बाहर। तो बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड को कभी भी हीटिंग पे कहीं रिएक्शन में तुमको दिख गया है ऐसा कंपाउंड और इसको हीट कर रहे हैं, तो समझ जाओ वो एसीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, बताने का मतलब ये था, क्लियर है। बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड ही, बट प्रोडक्ट क्या बनेगा यू डिसाइड। ठीक है, यहां से CO2 निकलेगा, इसका जब तुम मैकेनिज्म भी बना के देखोगे ना, तो तुमको ये प्रोडक्ट दिखेगा, ये H एज इट इज, ये CH3 एज इट इज, यहाँ पे खाली ये वाला H आ जाएगा बस, समझा, सबका ऐसे ही आएगा, नहीं सर, ठीक है, तुम लोग ने कुछ गलत किया होगा, इसको भी तुम लोग ने कीटोन बनाने की कोशिश की होगी ना, ये ऑलरेडी कीटोन ही है ना। फाइनली वहां पे भी पेज पलटी मार के देखो, वहां पे भी क्या हुआ था, यहां से CO2 निकला, इसका H उस CH2 के साथ जुड़ गया था बस, तो वही तो मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ, ये CO2 निकाल के H यहां से जोड़ दे रहा हूँ, क्लियर है। इसका क्या मिलेगा, PH C डबल बॉन्ड O CH3 एज इट इज, इथाइल एज इट इज, यहाँ पे खाली ये H यहाँ पे जुड़ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। इसमें ये दोनों बताओ मेरे को, आई होप अब हो जाएगा।
साइक्लोहेक्सेनोन प्लस सीओ टू, ये ऐसे दिखेगा क्या? कौन आपस में? ये देखना, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन जंप करके इसकी पोजीशन को कंप्लीट कर देगा, ये हाइड्रोजन इसके पास, ये हाइड्रोजन इसके पास, यहां से भी सीओ टू निकल जाएगा, यहां से भी, तो कितने यहाँ पे दो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगे। डाउट है क्या किसी को? ठीक है, सुनो, अगर दो कार्बोक्सिलिक आपस में मिल जाए तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं पता है? नहीं रे, ऑक्सैलिक एसिड, सुना होगा, लैब में रहता है, ग्लायोक्सल। हाँ, दो एल्डिहाइड रहेंगे तो ग्लायोक्सल, दो कार्बोक्सिलिक हैं तो ऑक्सैलिक, दो अल्कोहल हैं तो ग्लाइकॉल, राइट ना? ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड। इसी के बीच में अगर मैं एक कार्बन कंपाउंड डाल दूं, सिर्फ एक, दोनों कार्बोक्सिलिक को ऐसे ही रखूं, इनके बीच में एक कार्बन डाल दूं, तो इसको तुम बोलोगे मैलोनिक एसिड। ठीक, दो कार्बोक्सिलिक रहने दूं एज इट इज, और इनके बीच में अगर मैं दो कार्बन कंपाउंड डाल दूं ऐसे, तो इसको तुम बोलते हो सक्सीनिक एसिड, राइट? एक भी नहीं है तो ऑक्सैलिक, एक कार्बन मेलोनिक, दो कार्बन सक्सीनिक, तीन आ जाता है। मान लो कार्बोक्सिलिक एज इट इज है, CH2, CH2, CH2 और COH, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूटारिक एसिड। ठीक है, चार आ जाए, ऐसे लिख दो चलेगा क्या? CH2 यूनिट 4, समझ जाओगे तुम लोग? चार यूनिट आ जाएगी, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एडीपी कैसेट, राइट? पांच आ गए, तो इसको अपन बोलते हैं पायरुविक एसिड, ऐसा कुछ तो अजीबोगरीब नाम है इसका, समझा? हाँ, तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को इतने नाम से पहचाना जाता है, इसके बाहर का पोर्शन में नहीं आएगा तुम्हारे। विदाउट कार्बन ऑक्सैलिक, वन कार्बन मैलोनिक, दो कार्बन आए तो सक्सीनिक, तीन कार्बन आए तो ग्लूटारिक, चार कार्बन आए तो एडिपिक, पांच कार्बन आए तो पायरुविक एसिड। क्लियर है? डाइकार्बोक्सिलिक की जो हीटिंग होती है, इसका अगर मैं बहुत सिंपल वे में तुमको, ऐसे तो मैंने बहुत लेंदी में बता दिया, बट अगर मैं एकदम इजी वे में बताऊं ना, तो डाइकार्बोक्सिलिक को हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, देखो, ओम्स गैप, ठीक है? अगर इनके बीच में जीरो कार्बन है, तब इसको मैं क्या बोलता हूं? ऑक्सैलिक। एक कार्बन है तो मेलोनिक, दो कार्बन है तो सक्सीनिक, तीन कार्बन है तो ग्लूटारिक, चार कार्बन है तो एडिपिक और पांच कार्बन है तो पायरुविक एसिड। ये समझा? ये मैं क्या लिख रहा हूं? कार्बन नंबर इन बिटवीन, ठीक है, और ये तो नाम हो गया उसका। क्लियर है क्या हुआ ये? तो ऐसे याद रखो, ओम्स गैप, ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक एंड पायरविक। इनका जो हीटिंग इफेक्ट होता है ना, वो बहुत कॉमन होता है। जीरो और वन वाले कार्बन को जब तुम हीट करोगे ना, तो ये हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल दिखाएंगे तुमको,
ठीक है। दो और तीन मतलब सक्सिनिक और ग्लूटारिक को जब हीट करोगे तो ये तुमको शो करते हैं वाटर का रिमूवल हीट करने पे, और फोर और फाइव को जब हीट करोगे तो ये तुमको कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का रिमूवल देते हैं। इस चीज को समझ लो, आगे अपन देखेंगे। मतलब अगर ऑक्सैलिक और मैलोनिक को अगर मैं हीट करूंगा तो सिर्फ क्या बाहर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। सक्सिनिक और ग्लूटारिक को हीट करोगे तो वाटर निकलेगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव नहीं होता। एडिपिक और पायरिक को हीट करोगे तो दोनों भी चीज़ें रिमूव होती हैं और उससे अजीबोगरीब कंपाउंड बनेगा, बट बना लोगे तुम लोग, टेंशन मत लो। ठीक है, ऑक्सैलिक है, CO2। तो अगर मान लो इसका CO2 यहां से निकल जाए तो ये H आके इससे जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या बन जाएगा, कौन बताएगा, नाम बताओ फटाफट, फॉर्मिक एसिड ना। ठीक है, दूसरा दूसरा मैंने क्या बोला था तुमको, मैलोनिक एसिड। कैसे दिखेगा मैलोनिक एसिड का स्ट्रक्चर, एक CH2 होगा और इसको भी जब हीट करोगे तो इसमें से भी क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकला तो H इसके पास, तो ये बन जाएगा CH3 COOH, दैट इज कौन सा एसिड, एसिटिक एसिड, वेरी गुड, या फिर इथेनॉइक एसिड बोल सकते हो। थर्ड अपने पास क्या था, क्या हीट करना था मुझे, कौन सा, दो वाला सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड को हीट करने पे क्या बनता है, वाटर रिलीज होता है। तो वाटर देखो कैसे रिलीज होता है यहां से ऐसे, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा, अगर इसका वाटर में रिलीज करवा दूं तो देखो ये क्या बनेगा। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ये सब जनरल नॉलेज है, तुमको पता होना चाहिए। देखो सी डबल बॉन्ड ओ, इसका एक ऑक्सीजन खाली पड़ गया, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ है ये, इसके पास भी क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ, और एक बॉन्ड खाली हो गया कार्बन का, तो ये ऐसे जुड़ जाता है, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखने लगता है इसका, सक्सिनिक एसिड का। वाटर रिलीज होगा इसमें से, स्पेसिफिक है इसके लिए तो बता रहा हूं ना, ये सब एकदम एग्जैक्ट वैल्यूज हैं। इसमें से अपने पास फोर्थ वाला था, ग्लूटारिक एसिड में कितने होंगे, ठीक है, बीच में तीन, तो COH एक यहाँ पे डाइकार्बोक्सिलिक बन गया, बीच में तीन CH2, तो ये हीटिंग पे क्या देगा, मैंने क्या बोला, क्या रिमूव करेगा, ये भी वाटर रिमूव करेगा, ठीक है। वाटर इसमें से निकाल दो, मान लो यहाँ से H निकाल लिया, यहाँ से OH निकाल लिया, स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, तीन CH2 है, ठीक है। तो पहला CH2, दूसरा CH2 और तीसरा CH2, इन पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं। इस CH2 से जो कार्बन जुड़ा हुआ है, ये मतलब ये वाला, इस पे क्या है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, राइट, और एक ऑक्सीजन खाली पड़ा है ऐसे, ठीक। थर्ड वाले से जो कनेक्टेड कार्बन है, थर्ड से जो कनेक्टेड कार्बन है मतलब ये, इसके पास भी क्या है, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो दूसरा बॉन्ड ये ऐसे इससे कनेक्ट कर लेगा, राइट। नेक्स्ट एडिपिक को अगर मैं देखूं तो एडिपिक में अपने पास क्या है, चार, ठीक है। इसको हीट कर देंगे, क्या वो बाहर निकलता है एडिपिक में, इसमें तुमको कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर जाएगा और वाटर भी बाहर जाएगा, ठीक है। तो बच क्या रहा है, मान लो इसका कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दूं और यहां से वाटर निकाल दूं,
ठीक है, कार्बन कितने, एक दो तीन चार, चार कार्बन की रिंग है, 1 2 3 4, इनको तो ऐसे ही कनेक्ट कर लो, ठीक है। ये CH2 से जो जुड़ा था वो पूरा गायब हो गया है, चौथे CH2 से जो जुड़ा है उसके पास क्या है, एक C डबल बॉन्ड ओ है, और बाकी इसका तो पूरा खाली हो गया, मतलब ये डायरेक्ट इससे जुड़ जाएगा, इसे क्लियर। नेक्स्ट था तुम्हारे पास पांच वाला, दैट इज पायरुविक एसिड, समझ रहा है कि नहीं, बहुत शांति से बैठे हो तुम लोग। हाँ मुझे डर लगने लगता है ना भाई, इसमें भी क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, निकाल लो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दो, यहाँ से वाटर को निकाल दो, क्या बचेगा, एक दो तीन चार पाँच, तो पाँच कार्बन, ठीक है, आपस में जुड़े हुए हैं, इसका बॉन्ड पूरी तरह से खाली है, ये पांचवे से जुड़ा हुआ है CO, सी डबल बॉन्ड हो, मतलब ये भी ऐसे जुड़ जाएगा इससे, समझा।